मानवाधिकार की आड़ लेकर खालिस्तान समर्थन की जो चिंगारी सुलगाई, अब उसकी धधकती आग में भारत कनाडा के रिश्ते जल गए। पूरी दुनिया की निगाहें दोनों देशों के बीच बढ़ते इस विवाद पर हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत को बदनाम करने की तैयारियों में जुटी है। इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि ये विवाद जैसा दिख रहा है क्या वाकई वैसा ही है, या अलगाव के इस पूरे खेल की पटकथा कोई और लिख रहा है। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों से किसे फायदा हो रहा है? क्यों खालिस्तान की मांग अचानक इस तरह सुनाई देने लगी? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की अलगाव की आग फैलाने की नई तैयारी, कनाडा की धरती से खालिस्तानी आतंकवादी की खुली धमकी, कनाडा की संसद से खालिस्तानी आतंकवादी की स्पष्ट पैरवी, दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक खालिस्तानी आतंकवादी की मौत बनी मुद्दा। क्यों अचानक पूरी दुनिया का फोकस एक अलगाववादी की मौत हो गया है? खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, जिसका रिकॉर्ड कनाडा में ही नागरिकता लेने के लिए की गई तमाम धोखाधड़ियों से भरा है, वो निज्जर जो भारत से ही पहचान छुपाकर भागा, वो निज्जर कनाडा के लिए इतना प्यारा कैसे हो गया? कहते हैं कि एनडीपी के साथ की जरूरत है और एनडीपी को जो है इनका साथ काफी ज्यादा है, जो आतंकवादी ग्रुप है वहां पर, तो इसलिए जो है ट्रूडो उन आतंकवादियों के हाथ में एक तरह से बंध गए हैं कि उनका समर्थन करना है। भारत ने हमेशा कनाडा सरकार को खालिस्तानी उग्रवाद को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, उन पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी की मौत के बाद कनाडा इतना बौखला क्यों गया? सच्चाई ये है कि इलेक्शन आने वाली है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, वो टाइटैनिक शिप होती थी ना, वो बहुत जल्दी डूब गई थी, उससे जल्दी डूब रही है, इसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये अपने पार्लियामेंट में जाके कहता है, देखो जी मैं पूरे कनाडा के इंटरेस्ट की रक्षा करता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे दोबारा इलेक्ट। आतंकी की हत्या का ना कोई सबूत ना कोई दलील, लेकिन जिस तरह कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत की तरफ उंगली उठाई वो सोचने वाली बात है। ये किसी से छुपा नहीं कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बन चुका है, लेकिन ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक अलगाववादी के समर्थन के लिए कनाडा की संसद तक का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रूडो खालिस्तानियों का खिलौना है या चीन का मोहरा? ट्रूडो खुद खतरनाक खेल है या किसी भारत विरोधी खेल का हिस्सा? खालिस्तानी का समर्थन ट्रूडो की व्यक्तिगत नीति का हिस्सा है या राजनीति का? ट्रूडो ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है, जवाब करारा मिलना था सो मिल रहा है, लेकिन ट्रूडो को आतंकवाद और उसके समर्थन का इतिहास शायद याद नहीं। ये उसी को सबसे ज्यादा जलाता है जो पहली चिंगारी सुलगाता है। भारत और कनाडा के रिश्ते अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों ने बारी बारी से एक दूसरे के राजनयिकों को वापस लौटा दिया, वीजा पर रोक लगा दी। एक तरफ ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी के समर्थन में भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री को चेता दिया कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होना ठीक नहीं है। ट्रूडो की दलील में न कोई दम है और न ही उनके पास कोई ऐसा सबूत। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों एक घोषित आतंकी के लिए जस्टिन ट्रूडो परेशान हो रहे हैं? क्यों ट्रूडो खालिस्तानी आतंक के लिए कनाडा की साख तक दांव पर लगा रहे हैं? कनाडा के पीएम ट्रूडो को एक निज्जर दिखता है और वो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने का दुस्साहस कर बैठते हैं। लेकिन ये पन्नू क्यों नहीं दिखता जो कनाडा की धरती पर बैठकर? क्या कनाडा के पीएम ट्रूडो को सुनाई नहीं देती वो नफरती आवाजें जो उनके ही कनाडा के शहर के सभागारों में भारत में की गई हत्याओं को जस्टिफाई करती हुई खुले तौर पर गूंजा करती है? तो कनाडा के लोगों की चिंता जायज है। ट्रूडो ने भारत पर सीधा आरोप लगाकर दुनिया को चौंकाया है। दुनिया ने हमेशा भारत को अलगाव और आतंक के खिलाफ आवाज उठाते हुए देखा है। ट्रूडो अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन दुनिया का अपना नजरिया और भारत के साथ संबंधों का एक इतिहास है। जस्टिन ट्रूडो इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आई वाज प्लीज्ड टू एंगेज विद हिम एट द G20। He has expressed his concerns about this on behalf of the Canadian government, and the Australian Foreign Minister Penny Wong has also expressed concerns.
ट्रूडो भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर खुद कई मोर्चों पर फंस गए हैं, सवालों से कतरा रहे हैं। भारत कनाडा के बीच उपजे विवाद को पाकिस्तान ने अपने लिए मौके मौके की तरह लिया है। खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग और बदनाम हो चुका पाकिस्तान, कनाडा मामले से भारत के खिलाफ थोड़ी सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कनाडा की जमीन का इस्तेमाल काफी पहले से कर रहा है, नया मामला उसे और फायदेमंद दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार कनाडा में ISI प्लान के तहत खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर NIA और देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार कनाडा को MLATs यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजी, पर कनाडा की जांच एजेंसीज ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच में सहयोग किया। ये नया भारत है जो किसी ताकत का बेजा दबाव महसूस नहीं करता, जो भारत का हित है उसे कभी भूलता नहीं। ट्रूडो ने पहल की रिश्तों को बद से बदतर करने की, भारत ने चेता दिया कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।